हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। आज की वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ मैं पशुपतिनाथ व्रत की पूजन सामग्री। पशुपतिनाथ में 5 सोमवार व्रत किया जाता है। आप किसी भी सोमवार से यह व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। जब व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक कष्ट चल रहा हो, संकट में हो, तब आप यह भगवान भोलेनाथ का पशुपतिनाथ जी व्रत कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पशुपतिनाथ व्रत में मंदिर जाकर ही पूजा की जाती है और इसमें 2 टाइम मंदिर जाकर के पूजा की जाती है। सुबह भी मंदिर जाया जाता है और शाम को भी मंदिर जाया जाता है। तो सुबह के समय हम पूजन की थाली तैयार करते हैं और इसी थाली से हम शाम के समय भी पूजन करते हैं। तो थाली में हम सबसे पहले रखेंगे शुद्ध जल और उसके बाद हम रखेंगे इसमें कच्चा दूध या फिर पंचामृत। इसके बाद हम सुबह के समय पूजा करने के लिए एक शुद्ध देसी घी का दीपक ले जाएंगे। भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए हम पीला चंदन ले जाएंगे या फिर सफेद चंदन, या फिर आप अबीर या भस्म भी ले जा सकते हैं। काले तिल ले जाएंगे भगवान भोलेनाथ पर अर्पित करने के लिए। अक्षत ले जाएंगे, अक्षत टूटे हुए नहीं होने चाहिए। अब हम ले जाएंगे रोली, जो कि हम माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा करने के लिए ले जाएंगे। हम माता पार्वती के लिए ले जाएंगे सिंदूर। अगर आपकी थाली में जगह है तो आप माता पार्वती के लिए थोड़ी बहुत श्रृंगार की सामग्री भी ले जा सकते हैं। फ्रेंड्स, कोई भी सामग्री रखते समय आप ध्यान रखें कि आप सामग्री उतनी ही ले जाएं जिससे आप सुबह और शाम के समय पूजन कर लें। ज्यादा सामग्री हमें पूजन थाली में नहीं रखनी है। इसके बाद हम भोग में ले जाएंगे मिश्री या फिर आप गुड़ रख सकते हैं। इसके अलावा आप दूध से बनी मिठाई भी रख सकते हैं, चीनी रख सकते हैं। अब हम यहाँ पर ले जाएंगे कलावा। कलावा भी आप उतना ही ले जाएं जितना आप पूजन में प्रयोग करें। इसके बाद हम पूजा के लिए ले जाएंगे धूप बत्ती और दीप प्रज्वलित करने के लिए ले जाएंगे हम माचिस। अब हम भगवान भोलेनाथ के लिए ले जाएंगे जनेऊ। आप भगवान गणेश के लिए भी जनेऊ रख सकते हैं। जनेऊ नहीं है तो हम भगवान भोलेनाथ को कलावा भी अर्पित कर सकते हैं वस्त्र के रूप में। इसके अलावा हम भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए आग का पत्ता, बेलपत्र, शमी पत्र या फिर धतूरा, अगर आपको मिल जाता है तो आप धतूरा रख लें। बेलपत्र आपको जितनी भी संख्या में मिल जाते हैं आप रख लें। अगर आपको एक बेलपत्र भी मिल जाता है तो आप एक से भी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। आप आग का फूल रख लें। भगवान भोलेनाथ को आग के फूल अति प्रिय हैं, आग के पत्ते भी बहुत प्रिय हैं। अब हम यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के लिए कुछ पुष्प रखेंगे। पुष्प आपको जो भी मिल जाते हैं आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। वैसे भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद पुष्प बहुत प्रिय हैं। अगर आपको सफ़ेद पुष्प मिल जाता है तो आप भगवान भोलेनाथ को अवश्य अर्पित करें। इसके बाद भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए कोई एक मौसमी फल ले जाइएगा। अब हमने यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की कपूर आरती करने के लिए यहाँ पर कपूर लिया है, लौंग का एक जोड़ा लिया है और बतासा लिया है। आप इस तरह से दिए में रख लें और इससे ही भगवान भोलेनाथ की कपूर की आरती करें। अब अंत में हम भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए रखेंगे दक्षिणा। दक्षिणा हमारी पूजा में जो भी कमी रह जाती है उसकी पूर्ति करती है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना। धन्यवाद।